शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखो वैशु, तुम मुझे पता था यही होगा, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं और यहाँ पर रहकर अपना मूड खराब नहीं करूंगी। क्या कर रही हो तुम? किसे फोन लगा रही हो? अपनी मॉम को। हेलो वैशाली, कैसी है बेटा? मॉम, मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन डॉक्टर ने तो तुम्हें पहले ट्रिमेस्टर में सफर करने के लिए मना किया है ना? आप पूजा की पूरी तैयारी कर लीजिए, मैं पूजा के लिए ही आ रही हूँ। पूजा? कौन सी पूजा? मॉम, यहाँ किसी को नहीं पता है कि बेटी के पहले ट्राइमेस्टर में अष्ट चिरंजीवी की पूजा होती है। मुझे भी तो आपने बताया ना। ओ, तो ये बात है। आप प्लीज माजू को समझा दीजिए कि मेरा इस पूजा में भाग लेना कितना जरूरी है। डोंट वरी बेटा, मैं बात करूंगी तुम्हारी सास से। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा मॉम, आपको उन्हें कन्विंस करना होगा। मैं सब कर लूंगी बच्चा, तुम सिर्फ यहाँ आने की तैयारी करो। ओके ओके, लव यू मॉम। लव यू टू, बाय। अब मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। अरे बेटा, आज ही पूरा करके देना है क्योंकि कल देने का मैंने वादा कर लिया है। अरे मम्मी, पर क्या आपको लगता है ये आज ही हो जाएगा? बेटा लगता तो नहीं है। वैसे मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ये सब काम रात को पापा के सोने के बाद भी करें, उससे काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। देखो, हम पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देंगे, एकदम चुपचाप करेंगे। अरे अन्नी बेटा, ये तेरा आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही करते। क्या करूं मैं वैशाली दीदी का? लेकिन क्यों बात बढ़ाऊं, जाकर माफी मांग ही लेती हूं ना। लेकिन पता नहीं हो तो मेरी माफी पर भी क्या रिएक्ट करेंगे। दीदी, दीदी, I'm sorry. शायद मेरी ही गलती थी, मुझे आपको गर्म पानी देने से पहले एक बार खुद ही चेक कर लेना चाहिए था, कहीं पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरी लापरवाही की वजह से आपका हाथ जल गया। I'm sorry दीदी, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तो फिर आगे से कौन सी गलती होगी नियति? आज तुमने मेरा हाथ जलाया, कल तो मुझे पूरा जला दोगी। क्या कह रही हैं दीदी आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी दीदी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ नियति, कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती हो? आखिर तुम्हारा मैंने बिगाड़ा क्या है? दीदी प्लीज, प्लीज दीदी, अपने मन से आप ये वहम निकाल दीजिए। यदि अभी तुम जाओ यहाँ से, इस बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। आपने मुझे माफ कर दिया? मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगी, इतना मुझे पता है।
हेलो जी, मैं वैशाली की माँ बोल रही हूँ। अरे समधन जी, कैसी हैं आप? नमस्ते जी, कैसी हैं आप? मैं वैशाली को फोन दूँ? जी नहीं नहीं मुझे आप ही से बात करनी थी जी। दरअसल वैशाली ने आपको बताया होगा कि हमारे यहाँ जब बेटी के पाँव भारी होते हैं तो पहले 3 महीने के अंदर अंदर ही एक विशेष पूजा करवाते हैं, अष्ट चिरंजीवी पूजा। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि अगर आप इस पूजा के लिए वैशाली को यहाँ भेज देंगी तो बहुत अच्छा होगा। देखिए समधन जी, अगर वैशाली नॉर्मल होती ना तो मैं उसे जरूर भेज देती, पर आजकल वैशाली की जो हालत है ना, मैं उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकती, और ऐसी हालत में उसका ट्रेवल करना बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं बहन जी, आप अपनी बेटी से मिलने आती जाती रही है, उसे भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा जी। नमस्ते। मंजली बंद करो ये रोना, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी मम्मी तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी आकर मुझे बोलेगा ना तो भी मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी। मम्मी, अपना मिशन तो पूरा हो गया, पापा अच्छे से सो गए। अच्छा, तो ये सारा काम निपटा लेते हैं ना। हाँ, चलो चलो चलो। पर ये क्या मम्मी, आपने इतनी सारी साड़ियाँ ऐसे डाल रखी हैं? मैं एक काम करती हूँ, पहले सबको घड़ी कर देती हूँ। अन्नी, अगर आज ये पूरा काम खत्म नहीं हुआ तो हो जाएगा मम्मी। और अगर तेरे पापा आज रात में जाग गए तो? बाढ़ आ गई तो, आसमान टूट गया तो? आप भी ना मम्मी। बस वैसे मम्मी, इस काम के जब पैसे आएंगे ना तो उससे सबसे पहले हम सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेंगे। और नहीं तो एक काम करेंगे, सिर्फ एक ही गिफ्ट लेंगे अच्छा सा, वो भी दीदी के लिए। अच्छा बाबा, तुझे जो करना है वो करना, ठीक है? ये सुई को भी अभी टूटनी थी। घर में दूसरी सुई नहीं है क्या? है ना, तेरे कमरे में वो जो ड्रावर है ना उसमें रखा है, जा जल्दी से लेके आ। जा जा। पर वहाँ पे तो पापा को सुलाया मैंने। अरे धीरे से जाना, धीरे से जाकर के लेके आ। अच्छा। अरे वो साड़ी में तो फॉल लगे नहीं। जिनकी है वो तो बहुत गुस्सा होंगी ना, तो आप क्या बोलोगे? करेंगे तो गुस्सा, लेकिन अब जो हो गया उसका हम क्या कर सकते हैं? ये साड़ियाँ तो बहुत महंगी होंगी ना। क्या पता बेटा, आज तक मैंने ऐसी साड़ियों के दाम पूछने की हिम्मत तक नहीं की। I'm sorry मम्मी, आप हमेशा मना करती थी ना कि क्या मत रख, पर मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी ना, इसीलिए ये सब हुआ। I'm sorry। तू एक काम कर, तू जा, जा बेटा तू। Oh,
अरे माँ जी आप भैया खुश रहो बेटा कैसे हो भैया खुश रहो आइए ना आइए बैठिए अरे जीते रहो बेटा नमस्ते समधन जी आप बैठिए बैठिए जी जी आप बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ हाँ बड़ी ले आज अचानक कैसे आना हुआ जी वो हम वैशाली को ले जाने आए हैं जी जी मैंने आपको फोन पे बताया था ना लेकिन मैंने भी तो आपसे कहा था कि हमारे घर में जब बेटी के पांव भारी होते हैं तो पहले 3 महीने के अंदर अंदर ही ये विशेष पूजा करते हैं देखिए मैं जानती हूँ आपको वैशाली की बहुत फिक्र है और इसीलिए आप नहीं चाहती कि वो इस वक्त कहीं भी जाए पर हम भी मजबूर हैं क्या करें रीति रिवाज का भी तो मामला है देखिए बहन जी कोई भी रीति रिवाज हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी से बढ़कर नहीं है माफ कीजिएगा जब तक डॉक्टर मंजलि को घर से जाने की इजाजत नहीं देते तब तक मैं उसे आपके साथ नहीं भेजूंगी आप इतनी दूर से आए हैं कुछ चाय नाश्ता कीजिए खाना वाना खाइए और जब तक आपका जी चाहे अपनी बेटी के साथ वक्त बिताइए लेकिन मैं आपको उसे यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं दे सकती समधन जी प्लीज देखिए अब बार बार बोलकर आप इस घर की शांति मत भंग कीजिए देखिए बहन जी इस घर के कुछ उसूल हैं कुछ कायदे हैं उसे मैं तोड़ तो नहीं दूंगी ना एक मिनट आंटी हमें आपके घर के कायदे कानून तोड़ने का कोई शौक नहीं है अगर मेरी बहन रो रो कर मेरी माँ को फोन करे कि मुझे यहाँ से ले जाओ मुझे वहाँ नहीं रहना तो हम उसे यहाँ से लेना जाए तो और क्या करें ऐसा कहा उसने बड़ी जाके मंजरी को बुला के लाओ जाओ मुझे तो आजकल ना वैशाली दीदी का बर्ताव समझ में आ रहा है और ना ही मम्मी जी का आखिर दोनों ही इतना एक्सट्रीम क्यों हैं? नियति जी वो पावर कॉर्पोरेशन की फाइल का क्या हुआ नियति जी सुबह से देख रहा हूं तुम कहीं खोई हुई हो ध्यान कहां है तुम्हारा सब कुछ ठीक तो है ना हाँ सब 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 ठीक है तो ठीक है वो पावर कॉर्पोरेशन वाली फाइल जो थी ना वो दीजिए अब तक तो हुई होगी शायद सॉरी सर अभी नहीं हुई है पर शाम तक मैं पक्का कर दूंगी ओके कर दोगी ना जी सर ठीक है फोन करके बुलाया मंजली कुछ पूछ रही हूं तुमसे मेरे मना करने के बाद भी तुमने फोन करके इन्हें बुलाया क्यों आखिर दिक्कत क्या है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी एक दिक्कत हो तो बताओ एक दिक्कत हो तो बताओ मुझे तो अब ये भी भरोसा नहीं है कि मैं इस घर में सेफ हूं क्या आयुष आयुष यहां कुछ लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते वो लोग हर समय मुझे नुकसान पहुंचाने के प्लान्स बनाते रहते मुझे यहां से ले चलो
मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। ये क्या कह रही है? पागल हो गई है ये। पहले मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग कर रहा है, ये नादानिया कर रही है, पर ये तो इसके दिमाग से उपजा हुआ पागल बने। ये नहीं चलेगा इस घर में, ये नहीं चलेगा इस घर में। वैशाली तुम्हें क्या हो गया है? बड़ी जाने तो इसे मैं अब भी नहीं दूंगी, लेकिन आप लोगों को एक बात की गारंटी देती हूँ कि यहाँ पर ये और इसका बच्चा दोनों सुरक्षित है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे ले जाने की जिद करेंगे तो इसे मैं अपनी और अपने घर की तौहीन समझूंगी। हम इसे आपकी तौहीन करने के लिए नहीं ले जा रहे हैं समदन जी, हम तो बस इसका मन रखने के लिए ले जा रहे हैं। अरे इसका मन ही तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आज आप लोगों ने ये सब कहकर साबित कर दिया कि आप लोगों का हम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है समदन जी। ऐसा ही है समदन जी, ऐसा ही है। आज इसने इस घर के लोगों पर जो तोहमत लगाई है ना, उसके बाद भी अगर ये जिद करके आपके साथ जाना चाहती है तो बेशक जाए, और इसे दोबारा इस घर में नहीं आने दिया जाए, इसे दोबारा इस घर में नहीं आने दिया जाए। अब चॉइस इसकी है, इसने जो बकवास आज की है ना, उसके लिए यहाँ पे रह के सबसे माफी मांगे या फिर अपने मायके में हमेशा के लिए जाकर अपने मन का जो करना है वो करती रहे। यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शौली, आज तो तुमने पागलपन की हर हद पार कर ली। क्या लगता है तुम्हें, इस घर में हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, प्लान कर रहा है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए? अरे तुमने तो अपने माँ और भाई को भी नहीं छोड़ा, उन बेचारों को भी परेशान कर दिया है तुमने। इस तरह की घटिया बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से है वैशाली? छोटी छोटी बातों पर तुम माहौल खराब कर देती हो। कब तक तुम्हारे इन नाटकों को बर्दाश्त करता रहूंगा मैं? अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ जाकर बाप से माफी मांग लो, जाओ। और फॉर गॉड सेक नॉर्मल हो जाओ वैशाली। तुम इस घर में कोई नॉर्मल रह सकता है? नॉर्मल घरों में बहुओं को मैके जाने से मना नहीं किया जाता ऋषि। अगर इस घर के होटल से दूर जाने के लिए मैंने अपनी माँ को फोन करके उन्हें यहाँ बुला लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी बड़ी धमकी दे दी, वह मुझे इतना कुछ सुनाती रही और तुम चुपचाप खड़े सुनते रहे, तुम्हारे मुझसे एक शब्द नहीं निकला। अरे कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने किसी गुलाम से शादी की है। गुलाम से शादी की है, गुलाम से शादी की है। इस वक्त तो तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। तुम मत लगो मेरे मुंह, मत लगो। अब तो मैं कभी दम लूंगी जब तुम्हारी माँ खुद मुझे मैके जाने के लिए बोलेगी, जब तुम्हारी माँ खुद मुझे मैके जाने के लिए बोलेगी।